नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मनी प्लांट की पत्तियों का साइज कैसे बड़ा कर सकते हैं, इसके लिए हमें कैसा सोयल मिक्सचर बनाना चाहिए, कौन सा इसे फर्टिलाइज़र देना चाहिए, किस लोकेशन में इसे रखना चाहिए, कितनी इसको धूप लगनी चाहिए, कैसे इसमें वाटरिंग करें। तो आज इस वीडियो में हम इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्तियों का साइज भी बड़ा हो और आपका प्लांट भी इसी तरह से जंगल जैसा घना और बुशी बने, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे हम सब अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मनी प्लांट की पत्तियों का साइज हम गमले में बड़ा नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इस प्लांट को नीचे जमीन में लगाना होता है। लेकिन आप सामने देख रहे हैं, ये मेरा पॉट में गमले में ही लगा हुआ प्लांट है जो इतना हेल्दी है, बुशी है, और आप इसकी लीव्स का साइज देखिए कितना बड़ा है। इसे लगाना घर में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इसे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन को अपनी ओर ये आकर्षित करता है। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा एयर प्यूरिफाई प्लांट भी है। अगर आप इसे घर के अंदर लगाते हैं तो बहुत हद तक ये इंडोर पोल्यूशन को कम करता है। ये कई वैरायटी में आता है, नॉर्मल वैरायटी आती है, न्योन पोथोस आता है, एक मार्बल पोथोस आता है। सभी वैरायटी इसकी काफ़ी सुंदर होती हैं। ये मिट्टी और पानी दोनों में लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी लीव्स का साइज बड़ा कैसे कर सकते हैं। ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये मैंने अपने इसी मनी प्लांट से ली है और इतनी बड़ी बड़ी लीव्स से मैंने कई सारी कटिंग इसकी तैयार की है और काफ़ी सारे मैंने गमले भी बना लिए हैं। हैंगिंग बास्केट में भी इस प्लांट को मैंने लगाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसकी लोकेशन की, इसे कहाँ रखना चाहिए। अगर आपको इसकी पत्तियों का साइज बड़ा चाहिए तो आउटडोर लोकेशन में इस प्लांट को आपको रखना चाहिए, जहां पर इनडायरेक्ट सनलाइट कम से कम 3-4 घंटे की इस प्लांट के ऊपर पड़े। जब ही इसकी पत्तियों का साइज बड़ा होता है, प्लांट हेल्दी होता है, बुशी होता है, यानी सनलाइट बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसे सीधे सूरज की रोशनी यानी डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं रखना है, आपका पौधा झुलस जाएगा। ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसे छन के धूप मिले। नंबर दो, इसकी मिट्टी बनाते समय, सोयल मिक्सर बनाते समय आप ध्यान रखें कि इसका सोयल मिक्सर ज़्यादा फर्टाइल होना चाहिए। उसमें 40% गार्डन सोयल, आप उसमें 30% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला सकते हैं, 10% उसमें नीम खली, 5% उसमें सरसों की खली, 5% एप्सम सोल्ट और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर। इस तरह से बहुत ज़्यादा फर्टाइल इसकी सोयल बनाएं अगर आपको इसकी लीव्स का साइज बड़ा चाहिए तो। नंबर तीन, मनी प्लांट एक नेचुरल क्लाइंबर प्लांट है, इसे ऊपर की तरफ चढ़ना पसंद है और इसे उसके लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप एक मॉस स्टिक या सपोर्ट स्टिक इसमें ज़रूर लगाएं, जहाँ नोड एरिया से इसकी लंबी लंबी रूट्स निकलती हैं और ये भोजन बनाकर इस पौधे तक पहुंचाती हैं। ये दो काम करती हैं, पौधों को ऊपर में चढ़ने में मदद करती हैं, पौधों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और नीचे की ओर जाने लगती हैं, ताकि नीचे से जो भी इन्हें सपोर्ट मिले उससे भोजन लेके ये पौधे तक पहुंचा सकें। अब बात करते हैं दोस्तों वाटरिंग की। तो देखिए, इसे नमी पसंद है, मॉइस्चर पसंद है, तो आप इसकी जो ये सपोर्ट स्टिक है या मॉस स्टिक आपने कुछ भी इसे लगा रखा है, उसे आप मॉइस्चर रखें, उसमें नमी बनाए रखें और हफ्ते में एक बार इस पर जो एप्सम सोल्ट है उसकी जो स्प्रे है उसका घोल बनाकर उसकी स्प्रे इसकी लीव्स पर कीजिए। और भी मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे इसकी लीव्स को हम बड़ा साइज इसका बना सकते हैं। और जो इसकी सपोर्ट स्टिक है, मॉस स्टिक है, उसे आप नम रखिए, उसमें पानी स्प्रे करते रहिए। हफ्ते में आप कम से कम दो बार, एक बार आप इस पर कच्चे दूध की स्प्रे कर सकते हैं पानी में मिक्स करके, उसे अच्छे से डाइल्यूट करके, और एप्सम सोल्ट की भी आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। हफ्ते में दो बार तो पूरे अपने प्लांट की लीव्स पर नीचे की साइड ऊपर की साइड अच्छे से आप पानी की इस तरह स्प्रे कीजिए। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मिट्टी को फर्टाइल आप पहले ही बना लीजिए, उसके बाद
आप इसमें महीने में एक बार ये यूज की गई चाय की पत्ती सुखा कर रख लीजिए, अच्छे से इसकी मिठास निकल जाए, अच्छे से इसे वॉश करके धूप में सुखा कर इस तरह से एक एक मुट्ठी अपने पॉट के साइज के हिसाब से आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं क्योंकि ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ बिल्कुल, और केमिकल का मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, तो बाहर से मैं बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र खरीद कर अपने प्लांट्स में यूज़ नहीं करती हूँ। घर के बिल्कुल फ्री में जो ये फर्टिलाइज़र है, इन्हीं का मैं यूज़ करती हूँ। और इसमें क्योंकि बड़ा साइज करने के लिए और प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होता है, तो चाय की पत्ती में काफ़ी सारा नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर आप ये होममेड फर्टिलाइज़र नहीं तैयार कर सकते तो आप एनपीके भी इसमें दे सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, कच्चा दूध। देखिए 2 लीटर पानी में मैंने ये 2-3 चम्मच कच्चा दूध मिक्स किया है। इसकी स्प्रे आप अपने पूरे प्लांट पर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद होती है। पत्तियों से धूल मिट्टी की सफाई हो जाती है, पत्तियों का साइज बड़ा होता है, पत्तियां चमकदार होती हैं, ग्रीन होती हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कैल्शियम भी होता है, बहुत सारे इसमें पोषक तत्व भी होते हैं। ये देखिए मेरी बालकोनी गार्डन में लगा हुआ ये मनी प्लांट हैंगिंग बास्केट में मैंने लगा रखा है। आप देखिए कितना अच्छा इसकी लीव्स का साइज है, कितना हेल्दी ये मेरा हैंगिंग बास्केट का प्लांट है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो रूट होती हैं, एरियल रूट होती हैं, ये पौधे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ये मदद करती हैं, ये पौधे को भोजन प्रोवाइड करती हैं और इसे आगे बढ़ने में भी मदद करती हैं। इन्हें जो भी सपोर्ट के लिए मिलता है उसी से इसकी जड़ें चिपक जाती हैं। आप देखिए मैंने ये दीवार की साइड में अपना प्लांट रखा हुआ है और रूट्स कैसे दीवार पर अच्छे से ये दीवार को पकड़े हुए हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इस प्लांट से ये कटिंग ली है और आप इसकी लीव्स का साइज़ देखिए, कितना बड़ा बड़ा साइज़ ये मेरे मनी प्लांट की लीव्स का है। और मैं इसे आपको ग्रो करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इनको ग्रो किया है। देखिए दोस्तों, मनी प्लांट की जो कटिंग है उसे कई तरह से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और सोयल में भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप सोयल में लगाते हैं तो पत्तियों का साइज़ काफ़ी बड़ा आपको मिलता है। और मैंने ये देखा है कि जो पानी में मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है उसकी लीव्स थोड़ा छोटी हैं, तो अगर आपको बड़ा साइज लीव्स का चाहिए तो आप इसे अच्छी सी सोयल बनाकर उसमें आप इस प्लांट को लगाइए और इस तरह से अपने प्लांट की लीव्स पर स्प्रे ज़रूर कीजिए। आप सादे पानी की स्प्रे भी कर सकते हैं। आप अगर इस पर डेली स्प्रे करते हैं तो आपका पौधा ये बहुत ही अच्छा ग्रो होता है और रेनी सीजन में तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। नई नई कटिंग्स हम लगा सकते हैं, नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और जो मैंने कटिंग ली थी, अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैं उनका इस जो थर्माकोल के ये छोटे छोटे बॉक्स हैं उनमें मैं इन्हें लगाऊंगी। और सोयल मैंने पहले ही तैयार कर ली थी, उसमें मैंने सभी चीज़ जो आपको बताई थी मिक्स करके मैं सोयल तैयार करके रखती हूँ ताकि मुझे कभी भी कोई प्लांट लगाना हो तो मैं तुरंत लगा सकूँ। तो ये देखिए मैंने इनमें एक एक सूखी ब्रांच लगा दी है। ये मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि अभी मेरी कटिंग काफ़ी छोटी है, प्लांट भी छोटा है ये, तो ये कटिंग जब ग्रो हो जाएगी, जब मैं इसे अच्छे से सपोर्ट दूंगी, अभी के लिए मैंने इस पर ये सूखी ब्रांच की सपोर्ट इसको दे दी है और मैंने इसे अच्छे से लगाकर इसमें वाटरिंग कर दी है। अब मैं इसे किसी शेडी एरिया में रखूंगी 8-10 दिन के लिए और उसके बाद मैं इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखूंगी। तो दोस्तों इस तरह से हम मनी प्लांट की छोटी से छोटी कटिंग से बड़े साइज का मनी प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इस तरह अगर आप अपने मनी प्लांट को ग्रो करते हैं, केयर करते हैं, तो आपके मनी प्लांट की लीव्स भी इस तरह से बड़ी हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।